कोरोना संकट को लेकर इस समय देश घबराया हुआ है, वहीं प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर मुस्तैद है। जिला प्रशासन में फ्रंट लाइन पर तैनात जिला पंचायत सीईओ भाविया मित्तल ने आज एक खास प्रकार की मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समझाया कि संक्रामित व्यक्ति की डेथ होने के बाद किस तरह उसे मर्चुरी से अंतिम संस्कार तक ले जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संक्रामित व्यक्ति को ले जाते हुए किस तरह की सावधानी बरतनी है। वॉइस ऑफ एमपी से ख़ास बातचीत में सीईओ भाविया मित्तल ने यह भी कहा कि ज़िला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को 45 बेड का किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्टाफ बढ़ाने की बात भी कही। आइसोलेशन से लेके मॉर्चरी से लेके डेथ तक सारी पूरी आज की मॉक ड्रिल की है। बेसिकली सारे वार्ड बॉयज, अपने सारे नर्सेज, अपने सारे नगर पालिका के कर्मचारी जो पूरे प्रोसेस में लगे होंगे, उनके मन में कोई भ्रांति ना रहे, इसलिए हमने एक मॉक ड्रिल की है ताकि उनको क्लियर मैसेज जाए कि किस किस को मास्क पहनने की जरूरत है, किसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कैसे पूरी प्रोसेस में डील किया जा सके। अब हमारी तैयारी इस तरीके से है कि 46 बेड का हम आइसोलेशन वार्ड तैयार कर रहे हैं, तो हमारा अभी 18 था, वो 18 से कल मोस्ट प्रोबेबली 46 तक कंप्लीट हो जाएगा। शासन के निर्देश ये हैं कि 3 महीने के लिए हम एक्स्ट्रा स्टाफ नर्सेज और एमओ को रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले से विज्ञप्ति जारी कर रखी है, तो कोई आए चाहे तो सीएमएचओ ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पर फिर हम उनको 3 महीने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन अनुसार रखेंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।